चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस आज मैं बनाऊंगी सेव की सब्जी कुछ अलग तरीके से, जिसमें अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मैं डालूंगी टमाटर, लहसुन, प्याज और कुछ काजू। मेरा तेल जड़ गया है, थोड़ा तेल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे तो गाइस अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च एक दो दाने, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि सेव हमारी तीखी वाली है। हम डालेंगे इसमें प्याज, साथ में लहसुन, उससे मलाई निकाला था थोड़ा, कोई बात नहीं, जब तक ये रेड हो जाए थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाए तब तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। तो गाइस प्याज हमारा रेडनेस आ रहा है इसमें, प्याज में थोड़ा अच्छे से ब्राउन शेप आ जाए, ब्राउन कलर आ जाए तब हम इसको फ्राई करेंगे। तो गाइस अब थोड़े प्याज ब्राउन हो गए हैं तो हम इसे साथ में डालेंगे टमाटर और ज़रा सा अदरक के टुकड़े, ज़्यादा नहीं डालना कड़वापन आ जाएगा, साथ ही काजू के दो चार। चिमटे किए भी थोड़ा सा पका लेंगे हम, इसका कच्चापन निकालेंगे थोड़ा पका के, तो गाइस इसका थोड़ा कच्चापन निकल जाए तब तक हम इसको पका लेते हैं। थोड़ा सा रह गया है, थोड़ी और अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में और जब तक ये ठंडा ना हो जाए तब तक उसको प्लेट में ही रखेंगे। अब हम इसको थोड़ा ठंडा करने रखेंगे, ठंडा 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 करेंगे। हमने प्लेट में निकाल लिया है, अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसको हम बारीक पेस्ट बना लेंगे, तो बने रहिएगा। तो गाइस अब हम इसको पीसने के लिए जा रहे हैं और इधर हमने धनिया बारीक बारीक काट लिया है और जिस तेल में हमने फ्राई किया था उसी तेल में हम फिर से ग्रेवी पकाएंगे, तो बने देखिए कैसे बनता है। तो गाइस पेस्ट बन चुका है, अभी मैं बताती हूँ कैसे बनाना है इसको। तेल में मैं डालूँगी, तेल फिर से गर्म करती हूँ। ग्रेवी हमने डाल दी है तेल में और हम इसमें डालेंगे हल्का सा नमक, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि सेव में ऑलरेडी नमक होता है, और इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस और कुछ नहीं डालना है। इसको हम अच्छे से भूनेंगे, गाइस जब तक ग्रेवी तेल ना छोड़ दे तब तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। मैं साथ में हम थोड़ा सा डाल देते हैं धनिया, पकता रहेगा, और थोड़ी सी हम बाद में डालेंगे बनने के बाद। गाइस ग्रेवी का कितना प्यारा कलर आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। गाइस ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है, उससे हमने हल्का सा गर्म चिकन मसाला डाला, हल्का सा, ज़्यादा नहीं डाला, हल्का सा डाला, और साथ में हम यह डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मिर्च, इससे टेस्ट बढ़िया आता है और महक भी अच्छी आती है खुशबू। तो मसाला हमारा पक चुका है दोस्तों, तेल अच्छा छोड़ दिया ग्रेवी ने तो इसका मतलब मसाला पक चुका है। तो गाइस अब मैंने इसमें सेव डाल दिए हैं, बस अब पक गया है, अब इसमें थोड़ी सी धनिया डाल देंगे ऊपर से, यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी यार, यार ये कितनी औसम है यार। तो
गाइस पतली पतली रोटियों के साथ सेव और काजू वाली सेव के मजे लें। बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है काजू वाली सेव। तो गाइस नाश्ता रेडी है। आज मैंने 2-4 समोसे भी बना लिए थे अपने लिए। तो मम्मी, समोसे क्रंची बने हुए हैं कि नहीं? कैसा लगा खाने में? और सेव की सब्जी कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी है ना। तो गाइस सेव की सब्जी भी बहुत प्यारी बनी है। जैसे मैंने बनाया वैसे आप भी बना के देखिएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। एक दिन मैं समोसे का भी ब्लॉग वैसे है एक दो फिर से बनाऊँगी वैसे, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं।